वीडियो में आपको बताऊंगा प्रीकास्ट स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है आपके करियर के लिए, क्या है आपके करियर को ब्राइट कर सकता है, क्या आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्या आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रीकास्ट में जाऊं कि स्टील में जाऊं कि हम आरसीसी में जाएं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखिए, साथ ही क्या पढ़िए जिससे आपकी प्रीकास्ट में अच्छी जॉब लगे और प्रीकास्ट में आप अच्छा अपना करियर डेवलप कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के उनको बोलिएगा प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे जगह जाइए जहां पे भीड़ कम है, क्राउड कम है। यानी अब आप सोचोगे कौन सी सी फील्ड है कहां पे क्राउड कम है, तो उसके लिए सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आना चाहिए प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। आज के टाइम में प्रीकास्ट स्ट्रक्चर नया टेक्नोलॉजी है, बहुत कम बड़े शहरों में ही केवल यूज हो रहे हैं अभी तो, और इसमें जो ग्रोथ है इतना ज्यादा होने वाला है कि मैं आपको बता सकता हूं कि आगे लगभग 80% कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर पे होंगे। तो आप समझिए कि आप उस टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं जो 80% ग्रोथ करने वाला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा। नॉर्मल तो आपको प्रीकास्ट के बारे में तो स्टडी सबने किया होगा कि प्रीकास्ट के दो टाइप्स होते हैं, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन में टेंडल लगाते हैं, रेनफोर्समेंट लगा के हाइड्रोलिक जैक्स इसको स्ट्रेस देते हैं जितना स्ट्रेस की जरूरत होती है, ये सब तो आपको पता होगा। और प्री टेंशन में क्या करते हैं, प्री टेंशन में फैक्ट्री में ही सारा कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ले जाके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं साइट पे और लगा देते हैं। प्री टेंशन कब करते हैं, जब ब्लॉक छोटे होते हैं। पोस्ट टेंशन कब करते हैं, जब ब्लॉक बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पोस्ट टेंशन है मींस अगर भारी स्ट्रक्चर है उसमें अगर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया तो क्या करेगा, वो गिर सकता है, वो टूट सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए उसका रेनफोर्समेंट साइड पर लगाते हैं। उसका जो क्यूब है मींस जो कंक्रीट वर्क है वो आपका फैक्ट्री में कर लेते हैं। प्रीकास्ट बहुत अच्छा होता है, अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्किल लेबर लगते हैं जो अच्छी तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, मींस क्यूरिंग करते हैं अच्छे तरीके से उसको फिनिशिंग देते हैं, उसमें हनीकॉम वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहता है। इन सब वजह से सेग्रीगेशन नहीं आता उसके अंदर, इन सब वजह से प्रीकास्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, चाहे ब्रिज को लेके, चाहे बिल्डिंग को लेके, चाहे डैम को लेके। अभी डैम के तो मैंने स्ट्रक्चर नहीं देखे, बट बिल्डिंग के और ब्रिजेस के मैंने कई स्ट्रक्चर देखे हैं प्रीकास्ट, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप सोचोगे कि इसमें करियर बनाने के लिए और क्या पढ़ूं सर, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए वैसे तो प्राइवेट कंपनी कई ढेर सारे नए नए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर मैंने भी देखा था इंपैक्ट रैबिट करके है, बट अगर वो क्योंकि वो क्रैक अवेलेबल नहीं है, लगभग 3 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है वो, तो उसके लिए जगह पे आप क्या कर सकते हो, रैबिट सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख सकते हो, रैबिट स्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां रैबिट स्ट्रक्चर पे काम कर रही है जो प्रीकास्ट भी यूज करती है। तो रैबिट स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से सीखा है, क्या सीखना है उसमें, बीम कॉलम तो लगाओगे, रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करोगे, कवर कैसे प्रोवाइड करोगे, उसमें डेवलपमेंट लेंथ कैसे प्रोवाइड करोगे, शेप कौन सा यूज करोगे, वो 0 शेप की उसमें 1-3 शेप कौन सा शेप यूज करोगे, ये सारी चीज अगर अच्छे से करोगे तो आप समझो कि आपने रैबिट सही से उसके लिए कर लिया है। और उसका एस्टिमेशन कैसे करोगे, एस्टिमेट कैसे करोगे, उसको कर लो। इतना करने के बाद आपको प्रीकास्ट की बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां हायर कर लेंगी। अब वो कैसे हायर करेंगी, ऐसा नहीं कि आपके अप्लाई करते ही, ढेर सारी कंपनियां हैं प्रीकास्ट की, आप पहले सर्च करिए प्रीकास्ट पे कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, कई ढेर सारी हैं, आप बोलेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा। वैसे आप गूगल कर सकते हैं, आज के टाइम में सबका देवता गूगल है, तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रीकास्ट की कंपनियां हैं, वहां पे सीधे अप्लाई करिए, वहां पे मेंशन करिए कि आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ रैबिट स्ट्रक्चर। जैसे आप रैबिट स्ट्रक्चर का नाम लेंगे लोगों को पता चल जाएगा भाई इसमें इसको अच्छा नॉलेज है, ये प्रीकास्ट पे काम कर सकता है। प्रीकास्ट वाले वैसे तो नेविस वर्क भी यूज करते हैं, और नेविस वर्क तब जब उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाए, पहले आप केवल रैबिट सीख लीजिए और रैबिट में भी रैबिट स्ट्रक्चर सीख लीजिए, आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। तो आप क्या इसके लिए और कोई बेसिक्स पढ़ना है, हाँ अगर प्रीकास्ट के बारे में थोड़ा और बेसिक्स, मींस टेंडन का क्या साइज होता है, हाइड्रोलिक जैक कैसे प्लेस करते हैं, उसको कितने कितने साइज के मींस जैसे कि बीम है तो 24 फीट तक उसको मैक्सिमम हम लोग करते हैं, अगर प्री टेंशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर है तो क्या करेंगे, पोस्ट टेंशन करते हैं।
उसका साइज कैसे होता है, जैसे कि उसमें 16 CB टॉल इस तरीके से लिखा जाता है, उसको रीड कैसे करेंगे, उसके प्लान अगर प्रीकास्ट का प्लान है उसको रीड कैसे करेंगे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सीख लीजिए। प्रीकास्ट बहुत ही अच्छा है, इसकी जो इंडस्ट्री है बहुत आगे डेवलप होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास समय कम है और समय कम में लोग चाहते हैं ज्यादा काम हो, तो प्रीकास्ट ज्यादा करेगा ही करेगा और कर भी रहा है। प्रीकास्ट वहां के लिए सबसे अच्छा होता है, अगर आप साइट पे हो तो साइट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोग ना प्रीकास्ट की साइट मतलब उसके फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी काफी अच्छा कैरियर है। वहां पे ब्लॉग बनाना सीखते हैं, रेनफोर्समेंट उसमें कैसे प्रोवाइड करना वो सीखते हैं, क्यूरिंग कैसे करते हैं वो करते हैं। मीन्स अगर आप उसके साइट पे भी काम करते हैं वो भी बेहतरीन है, और अगर आप उसके डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं वो भी बेहतरीन। कुल मिला के प्रीकास्ट का जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और करना कुछ नहीं सिर्फ रेविट सीखना है, और अगर टाइम ले नेविसॉर्ट सीख लीजिए, और एक्सपर्ट करता हूं आपसे कि ऑटोकैड आपने सीखा होगा। इतना कुछ सीख के अगर आप प्रीकास्ट में जॉब स्टार्ट करेंगे, 15,000 से स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी आप 45-50 इतना की अगर आपके पास नॉलेज हो गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं कहां तक आप जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना है ज्यादा ज्यादा लोगों तक। मैं आपको ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अभी चैनल बहुत छोटा है, हम कंटेंट इतना वैल्यूबल आपको दे रहे हैं तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाना तो पड़ता है ना। उसे क्या होता है कि हमारा जो कुछ है कि हम भी जो अपना मेहनत कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट मिलता है, तो प्लीज इसको शेयर करना ज्यादा ज्यादा लोगों तक। मैं आप हमें अपना पर्सनल भाई मान सकते हैं, तो प्लीज इसको ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। 10K होने के बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैनुअल डिजाइन आपको सिखाऊंगा, और भी बहुत कुछ प्रॉमिस किया है, तो प्लीज इसको ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।